3000 फीट के ऊपर अभी हम है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और मैं कुलदीप टाग आपका स्वागत करता हूं अगेन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं, सोलो टेक ऑफ कर रहा हूं मिनी थ्री के साथ में, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड जितना हम गेन कर सकते हैं टारगेट रख रहा हूं 3000 फीट से अबव का, और 5000 फीट अप्रोक्सीमेट जाएंगे। तो मोबाइल के अंदर जो ऐप है पैराग्लाइडिंग डैशबोर्ड, उसको मैं कनेक्ट करके जाऊंगा ऊपर, तो आपको कंप्लीट दिखेगा कि कितने फीट एल्टीट्यूड के ऊपर अभी हम फ्लाइंग कर रहे हैं। और ऊपर हवा में इंजन बंद करके और फिर पैराग्लाइडिंग का भी आनंद लेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और मेरे ख्याल से विंड कभी भी स्ट्रांग हो सकती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बस ज़्यादा भी ना करिए। तो या स्टार्ट करें।
ऊपर इंजन ऑफ कर रहे हैं। ओ मैन, पैराग्लाइडिंग हो रही है। 3000 फीट के ऊपर अभी हम हैं और मैं व्यू आपको ज्यादा नहीं दिखा सकता इसमें, क्योंकि यार थोड़ा डर भी लगता है, हल्का सा हवा का झोंका और क्या बात है यार, मजा आ रहा है। अभी हम 3000 फीट के ऊपर हैं और विंड जो है हमारे बैक साइड से आ रही है। अभी विंड की स्पीड है अराउंड 6 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। एंड अभी हमारी जो एयर स्पीड आ रही है खुद की, वो आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर और इनटू द विंड आएगी अराउंड 32-34 किलोमीटर पर आवर की। और ITV बुलडॉग के साथ में क्लाइंब किया था, काफी कम टाइम के अंदर आपने वीडियो देख ही लिया होगा, बहुत कम टाइम के अंदर क्लाइंब कर लिया इसने, मेरे ख्याल से 10 मिनट की वीडियो रही होगी ये। और ऐसा लग रहा है हम हवा के अंदर रुक चुके हैं या और सबसे लंबी मेरी विदाउट पावर की फ्लाइंग होने वाली है ये। पावर मैं कब का किल कर चुका हूँ इंजन को, शांति बहुत है यार, ऐसा लग रहा है नीचे जा ही नहीं रहे हैं, मजा आ रहा है अभी तो। लेकिन आई होप सब कुछ ठीक रहे, एयर टाइमिंग काफी ज्यादा मिल रही है विदाउट पावर के भी एयर टाइम जो है, और इसका रिकॉर्ड इसके साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं डाल दूंगा जो हमारा है। अभी हम एल्टीट्यूड गेन कर चुके हैं, देख लेता हूं मैं गेन क्या, 2500 फीट के ऊपर हैं अभी हम। लेकिन मजा आ रहा है यार, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चारों तरफ का साइड सीन करवा देता हूं आपको अगर दिखाई देगा तो। बहुत ज्यादा अभी तक तो स्टेबल है विंड, तो अभी हमें नीचे चलना चाहिए जल्दी जल्दी, तो मैं ब्रेक्स लेके नीचे जाऊंगा, थोड़ा स्पाइरल दे देते हैं हल्का हल्का। भाई अब है ना इंजन की साउंड नहीं है तो ऐसे डर लगता है कहीं फ्रेम तो नहीं डैमेज हो रहा, कहीं से कहीं टूट जाए कुछ ब्रेक हो रहा हो, तो थोड़ा सा डर लग रहा है यार। और विदाउट पावर के इतनी आदत नहीं हमें, तो पता नहीं कहाँ पे लैंडिंग करनी पड़ जाए। होप आपको सब कुछ अच्छा देखने को मिले, नहीं तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है विदाउट पावर का। हाँ हालांकि हम करते रहते हैं विदाउट पावर लैंडिंग, लेकिन वो लो अल्टीट्यूड से, और अब देखते हैं सही जगह पे लैंड कर पाएंगे या और कहीं पे लैंड करेंगे। हाँ ठंड भी काफी बढ़ जाती है यार ऊपर, मेरी शक्ल आ रही है क्या, नहीं आ रही होगी ना, इधर से धूप आ रही है। मैं बोल रहा था ठंड काफी हो जाती है ऊपर, जितनी ज्यादा एल्टीट्यूड पे जाते हैं थोड़ी ठंडी महसूस होने लगती है, लेकिन पहली बार ऐसा फील कर रहा हूं। ये! नीचे पता नहीं किसी का सुनाई दे रहा नहीं हो रहा, और अभी हमारा एल्टीट्यूड होगा आई थिंक 1800 फीट के ऊपर अभी हम हैं, 1800 फीट पे। मेरी सबसे लंबी फ्लाइट हो रही है ये, सबसे लंबी इन द सेंस विदाउट पावर के पैराग्लाइडिंग मोड के ऊपर ये सबसे लंबी फ्लाइट है मेरी, नहीं तो अराउंड 2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे तो टाइम ही टाइम लग रहा है। और अभी हमें जाना चाहिए नीचे, 'तू ख्वाब ना देखा कर ख्वाबां विच आ जूंगा, क्या बात है, वाओ यार, नदी के किनारे है तो अच्छा लगता है। और आपको नीचे का मैं व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ यार, सॉरी, ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, ये दिखाई दे रहा है कुछ या नहीं दे रहा पता नहीं, लेकिन
ठीक है जो भी आपको दिख गया। हाँ अब कुछ लो एल्टीट्यूड के ऊपर आ गए हैं यार। ऊपर जाने के बाद एक लेयर बन जाती है, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग लेयर थी वो। ऐसे लग रहा था हम धरती को क्रॉस कर गए हैं। सबसे नीचे वाली लेयर पता नहीं कौन सी होती है, ये धुआं जो दिखता है ना वो नीचे ही रह जाता है, ऊपर धुआं कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर। तो ये धुआं कितनी लेयर के ऊपर है वो मुझे नहीं पता। तो आज मैं जाके वेदर चेक करूंगा कि और ये एटमॉस्फेरिक लेयर जो होती है, स्ट्रेटोस्फीयर फैलाना जो भी होता है, वो देखेंगे कि कितने एल्टीट्यूड के ऊपर ये काम करती है। अरे हम काफी दूर आ गए यार बात करते करते, ग्राउंड के पास में भी रहना पड़ेगा ना। तो मजा बहुत आ रहा है, बस अब फाइनल डर इसी बात का है कि क्या हम एग्जैक्टली जहां पे जा रहे हैं वहां पे लैंडिंग कर पाएंगे, क्योंकि देखो यार एक्सपीरियंस अपनी जगह होता है, लेकिन हाँ विंड कभी भी तेज हो जाती है तो पूरा एक्सपीरियंस गड़बड़ा जाता है। और मशीन के साथ में, पैराग्लाइडिंग के साथ में तो हम कहीं पे भी लैंड कर लें, मशीन के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो लेट्स सी, आई होप सब कुछ अच्छा होगा यार। और हम नजदीक बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक 1000 फीट के ऊपर अभी हम है, 1100 फीट पे अभी हम है, यानी मेरा अनुमान सही है, हम 1000 फीट पे थे ऑलमोस्ट। लग रहा है कि हम काफी तेजी से नीचे आ रहे हैं। नींद आ रही है भाई सच में मजा आ गया यार, पैराग्लाइडिंग का तो आनंद ही अलग है। इसमें कोई नॉइस नहीं आ रही, कोई वाइब्रेशन नहीं है और फ्यूल कंजप्शन नहीं है। तो मैं सोच के चला था 5 लीटर फ्यूल मैं कंज्यूम करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2 लीटर भी नहीं जला होगा। हाँ तो अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो और तेजी से डिसेंड कर रहे हैं और लैंडिंग के नजदीक पहुंच रहे हैं। 700 फीट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेयर योर सीट बेल्ट्स, वी अप्रोचिंग फॉर दी टू द एयरपोर्ट इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। वाओ, वी गोइंग टू लैंड। और ये कैमरा विक्रम का है, पता नहीं उसका कैमरा बचेगा या नहीं बचेगा। शायद हो सकता है हमारा रनवे लंबा हो जाए थोड़ा सा, मतलब रन लैंडिंग के टाइम पे, क्योंकि रनवे ओवरशूट के पूरे चांसेस हैं। विंड का जायजा नहीं है और ग्राउंड से मैं कनेक्ट नहीं हूँ तो ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा कि विंड स्पीड कितनी है कैसी है। कंट्रोल कंट्रोल
बात है यार, सबसे लंबी फ्लाइट थी है। मजा आ गया यार पूरा, और ठंड काफी लग रही है, अभी भी ठंड फील हो रही है। आधा घंटा की फ्लाइंग होगी, 23 मिनट। क्या बात है यार। सच में यार अभी भी ठंड फील हो रही है, और ऊपर की जो लेयर थी, मैं वीडियो चेक करूंगा दोबारा, मेरे ख्याल से काफी शानदार थी। मैं देख लेता हूँ कितना रिकॉर्ड हुआ हमारा। अब हमारा एल्टीट्यूड दिखा रहा है 87 फीट। इसका मतलब ये है कि नहीं, -37। ओके, तो यानी हम 4000 फीट क्रॉस कर चुके थे। 5000 फीट करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हो सकता है विंड ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम कर दे, और सोलो जा रहे थे, टेंडम विंग था, लेकिन मजा आया यार काफी। और आपने देख भी लिया होगा, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिला मुझे, और कोई भी वीडियो मेरी ऐसी नहीं बनी थी, ये बेस्ट वीडियो थी आज तक की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही, और मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अगली बार और रिकॉर्ड कायम करेंगे यार, 10,000 फीट का रखते हैं, 7 to 10,000 फीट का वो कायम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।